चुनाव से पहले बीजेपी ने ये कहा था कि अगर देश की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार देती है तो राष्ट्र का भी समाधान होगा, राम मंदिर का भी समाधान होगा, प्रेम के बदले हम 10 से लेंगे। और देश की जनता ने उनकी बात भरोसा करके बीजेपी को पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें। क्या आपको लगता है कि किसी समस्या का 4.5 साल में जो समाधान नहीं हुआ, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है? इच्छा तो है, शक्ति नहीं है। और मैं इससे भी आगे जाऊं कि इच्छा भी है और हर सरकार में शक्ति भी है, लेकिन उसके लिए बुद्धि होना चाहिए। करना कैसे? बुद्धि। अगर आपको ये पता होगा आपके पास इच्छा है, आप सरकार में और शक्ति कहां से आएगी? कौन देगा? ओबामा देगा, ट्रंप देगा? अरे आपके पास शक्ति है, सबसे ताकतवर आप हैं, इच्छा भी है, शक्ति, बुद्धि होनी चाहिए। लागू कैसे करें? इनको पहले 15 दिन के अंदर धारा 370 कर आप देखिए तुर्की में जैसे ही आए उन्होंने पहले ही दिन तुर्की भाषा लागू कर, सुबह से उन्हें क्रांति हुई 7 नवंबर की रात को ही फ्रांसीसी को मिला कर फ्रेंच लैंग्वेज का था रशियन दरबार में शुरू दरबार में फ्रेंच लगी थी ज़्यादा लेनिन ने एक ही झटके में खत्म बुद्धि तो होना चाहिए। अब आपने वादे कर भाषण दे दिए, अब आप पति नहीं करना कैसे? आप नौकरों की सलाह से काम करते हैं, नौकर की तो नौकरी पक्की है, आपकी पक्की नहीं है, क्या करें? भारतीय देश मजबूत सरकार होनी चाहिए, मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मजबूत बुद्धि होनी चाहिए। कैसे? अगर 370 खत्म करना है कश्मीरियों को दुख देने के लिए नहीं करना है, वो हमारे भाई बहन हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ, आज भी मैंने लिखा है, कल वो छपेगा, छप चुका है, नहीं एक तो छपा है आज, एक कल छपेगा, नया इंडिया में छपेगा, उसमें लिखा है कि कश्मीरी नौजवान हो, कश्मीरी वोट हो, कश्मीरी नागरिकों के साथ हमको बहुत अच्छा बर्ताव होना चाहिए। एक बात कहता हूँ आपको, पुरानी बात याद आ गई, 1983 में जब पाकिस्तान के आज इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो चेयरमैन थे वो जनरल जियाउर रहमान के ग्रुप आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने मेरा भाषण कराया तो आगा शाही भी बैठे थे जो फॉरन मिनिस्टर रहे थे, वो कहने लगे कि वेदिक जी आपके सारे हमने तभी ने सुन लिए, सारे तर्क सुन लिए, ये बताइए कि आप पाकिस्तान हमको हमको कश्मीर कब देंगे? इनका अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कश्मीर आपको अभी यहीं तशरीफ करके भेंट कर देता, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता कि मेरी लड़की भी शायद आपके लड़के से मुझे करना है, तो क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं है कि मेरी लड़की आपके घर में जब जाएगी तो उसका पेट भी भरेगा कि नहीं, भूखी तो नहीं मरेगी? ये भी तो जानना होगा कि वहाँ सुरक्षित भी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मुझे आप अपने कश्मीर के बारे में बताइए कि वहाँ क्या है। एक कश्मीरी लड़का उठ के खड़ा हुआ, उस इंस्टीट्यूट में मेरा भाषण चल रहा था, उसने कहा कि आवर कश्मीर मीन्स सुपर डादा कश्मीर, इट बिकम्स इट टर्न्स इनटू अ ब्रॉथ इन ड्यूरिंग द समर, ऑल द एलीट फ्रॉम पंजाब एंड कराची दे कम हियर एंड ऑल अवर मदर्स एंड सिस्टर्स दे ट्राई टू टर्न देम इनटू प्रोस्टिट्यूट्स। एक किताब भी तो मैंने कहा अब ये बताओ कि जो आपके यहाँ कश्मीरी औरतें वो हमारी बहन नहीं है, हमारी माताएं नहीं है? मैं तो उनको हमारी माता हमारी बहन समझता हूँ, हमारे कश्मीर में भी जो है वो भी हमारी माता है हमारी बहन है। अब जिस कश्मीर में ये हालत हो वहाँ मैं अपनी माँ बहनों को कैसे समर्पित कर दूँगा, कैसे सुनूंगा? इनका पहले मुझे अपने कश्मीर की हालत तो आप बताइए, तब मेरे कश्मीर की बात कीजिए। तो देश में अगर हमको काम करना है तो हमारे नेताओं को पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि उनको सुई शुभ करें, उनको जगह देना है, उनको अलर्ट करना है, वरना बहुत बुरा समय आने वाला है, बहुत
मुझे चिंता होती है।